फ्रेंड्स, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में एक अंडरलाइंग अजम्पशन है, उसका नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। उसके बारे में बात करते हैं। तो जनरली इंग्लिश जो है थोड़ा फनी लैंग्वेज है। देखिए कैसे, कंसर्न का मतलब क्या होता है? कंसर्न का मतलब होता है वरी, मतलब चिंताजनक। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि वो चिंताजनक स्थिति की तरफ जा रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, कंसर्न का जो मतलब है इंग्लिश में एक और मतलब है, और उसका कंसर्न का जो मीनिंग है वो है बिजनेस। अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो ये देखिए, आपने कभी सुना होगा कि आई वर्क फॉर अ मार्केटिंग कंसर्न, आई वर्क फॉर एन अकाउंटिंग कंसर्न, आई वर्क फॉर अ ट्रेडिंग कंसर्न, आई वर्क फॉर एन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंसर्न। तो वहां पर जब कंसर्न यूज करते हैं तो कंसर्न का मतलब है एंटिटी, कंपनी, बिजनेस। तो इसका मतलब है गोइंग बिजनेस कॉन्सेप्ट। तो गोइंग बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या मतलब हो सकता है, देखते हैं, पढ़ते हैं। ओके, तो ये वरी नहीं है, ये बिजनेस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट एन एंटरप्राइज इज अ गोइंग बिजनेस। मतलब इट विल कंटिन्यू टू गो, इट विल कंटिन्यू टू कैरी इट्स ऑपरेशन एंड विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। कंटिन्यू इन ऑपरेशन का मतलब क्या है, फोर्सिबल फ्यूचर का मतलब क्या है, समझते हैं? ठीक है, देखिए फोर्सिबल का फ्यूचर का इंग्लिश का जो मतलब है कि जहां तक दिख रहा है वहां तक का फ्यूचर, और ऐसा इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जहां तक दिख रहा है बिजनेस को वहां तक ऐसा लग रहा है कि ये जो बिजनेस है अपना जो है काम वो चालू रखेगी, ये बिजनेस जो है वहां तक जिंदा रहेगी, वहां तक अपना सब लोग रहेंगे, सारे के सारे असेट्स रहेंगे और वो बिजनेस ऑपरेट करती रहेगी, जो गुड्स बना रही है वो गुड्स बनाती रहेगी, जो सर्विसेज दे रही है वो सर्विस देती रहेगी। ओके, लेकिन फोर्सिबल फ्यूचर का कोई डेट है क्या, कोई मान्यता है क्या, कोई कन्वेंशन है क्या जो लोग मानते हैं? किसी ने ऐसा कुछ लिखा नहीं है। इंस्टीट्यूट ने भी, आईसीएआई ने भी, या इंडिया में जो भी बॉडीज हैं, आईसीएआई हो गया, आईसीएमएआई हो गया, जो भी बॉडीज है, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, किसी ने फोर्सिबल फ्यूचर का कोई डेफिनेशन, पक्का डेफिनेशन नहीं दिया है। तो हम मानते हैं 3 to 4 years, बिकॉज जब आप लोन लेते हो तो 3 year, 4 year, 5 year लोन लेते हो, और ये अंडरलाइंग अजम्पशन रहता है कि आप जो है जब लोन दिया जा रहा है आपको तो आप 4-5 साल तक जितना लोन दिया जा रहा है आपको तब तक आप रहोगे, बिजनेस रहेगा और वो जो लायबिलिटी है वो पे ऑफ करेगा। ठीक है, कंटिन्यू इन ऑपरेशन का मतलब क्या है जरा समझते हैं। कंटिन्यू इन ऑपरेशन का मतलब ये है, स्पेसिफिकली इसका मीनिंग जो है असेट से आता है। ये जो बिजनेस की जो असेट है, वो बिजनेस के असेट्स जो है, दे आर असेट्स विल बी यूज्ड, असेट्स विल बी यूज्ड फॉर producing goods and services to carry out the normal operation of the business. Okay? इसका मतलब ये है, carry out the normal operation of the business. Okay? And will not be, लेट अस से सोल्ड बोल सकते हैं आप, लिक्विडेटेड बोल सकते हैं, विल नॉट बी सोल्ड इन नियर टर्म और इन फोर्सिबल फ्यूचर टू पे लाइबिलिटीज। इसका मोटा मोटी समझिए कि जो असेट्स हैं बिजनेस में उसको सेल करके आप अपना उधार उधार चुकाएंगे, तो मतलब कि ये जो है गोइंग कंसर्न नहीं है। गोइंग कंसर्न वही कंपनी है जो कि असेट्स को किस चीज के लिए यूज करेगी, फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए, उसको गुड्स बनाने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जिसके लिए वो असेट लिया गया था वो काम करने के लिए। अगर वैसा नहीं है तो इसका मतलब है कि ये गोइंग कंसर्न नहीं है ये एंटरप्राइज, और गोइंग कंसर्न नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, वो भी देखते हैं। बट अभी यहां पे समझिए, कंटिन्यू इन ऑपरेशन का मतलब है सीधा साधा जो उसका मतलब है वो असेट के साथ है, कि असेट का यूज कैसे होगा। असेट का यूज सेल नहीं करेंगे लाइबिलिटीज पे करने के लिए, असेट का यूज गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए होगा, जिससे कि सेल होगा, और जब सेल होगा तो उससे जो है लाइबिलिटीज, जो भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है वो पे करेंगे, जो रेंट है, सैलरी है, जो सारे के सारे जो चीजें हैं वो सेल के मनी से करेंगे, असेट को बेच के नहीं करेंगे। मोटा मोटी ये मतलब है। अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो क्या है, तो मैं समझ गया,
और ये अंडरलाइंग अजम्पशन है, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमने अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो बिजनेस है वो गोइंग बिजनेस है, गोइंग कंसर्न है, ये फोर्सिबल फ्यूचर तक ये बिजनेस जो है वो चलती रहेगी, और इसके कारण से जो असेट के जो वैल्यू लिखते हैं वो हम एक मेथड होता है जो मैं बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा, वो मेथड को यूज करके नॉर्मली वो असेट का वैल्यू लिख देते हैं। लेकिन अगर ये बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो क्या, इसका मतलब क्या, इफ इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न देन द कंपनी इज गोइंग टू फाइल फॉर बैंक्रप्सी, कंपनी इज गोइंग टू क्लोज डाउन, ओके, क्लोज डाउन इट्स ऑपरेशन, इट्स गो फॉर लिक्विडेशन, असेट्स को जो है वो सेल करेगी और जो भी पैसा आएगा उसे लाइबिलिटीज पे करेगी इन शॉर्ट टर्म, करेक्ट। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो यही है ना, यही होगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो इस केस में क्या होता है, अगर गोइंग कंसर्न नहीं तो इस केस में क्या होता है, तो पहली बात आप ये ध्यान रखें, ये जो इंफॉर्मेशन है कि ये जो एंटरप्राइज है गोइंग कंसर्न नहीं है, ये इंफॉर्मेशन जो है कि बंद होने वाला है, इज गोइंग टू फाइल फॉर बैंक्रप्सी, इज गोइंग टू गो फॉर लिक्विडेशन, ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट टीम को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, दे विल हैव टू डिस्क्लोज दिस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजर दैट दिस बिजनेस इज प्लानिंग टू फाइल फॉर बैंक्रप्सी, दिस बिजनेस इज प्लानिंग टू गो फॉर लिक्विडेशन, दिस बिजनेस इज प्रोबब्ली गोइंग टू क्लोज डाउन, दिस बिजनेस इज गोइंग टू इमेंसली सिग्निफिकेंटली कट डाउन इट्स साइज ऑफ ऑपरेशन। ऐसा क्यों हो सकता है, बाय द वे कुछ रीजंस बताइए। पहला तो ये है कि ये बिजनेस जो है वो क्यों बैंक्रप्सी फाइल करती है, इतना सारा डेट ले लिया है बिजनेस, अभी अभी आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी खबरें आती रहती है, राइट, विजय माल्या के लिए इतना डेट ले लिया उन्होंने, लेकिन वो बिजनेस ना कर नहीं पा रहा है जनरेट, वो डेट तो कभी पे ही नहीं कर पाएंगे, तो डेट बहुत ज्यादा हो गया, बिजनेस कभी पे नहीं कर पाएगा तो वो फाइल फॉर बैंक्रप्सी कर देता है कि बॉस हो गया, आप नहीं चलेगा वैसे बिजनेस। या फिर कभी कभी रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन ऐसे आ गए, तो दिल्ली वाला केस आपने सुना होगा कि ऑटो ई रिक्शा जो है वो शुरू हो गए थे, अचानक से गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। टू अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑटो ई रिक्शा कैनॉट प्लाई ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली, अगर ऐसा कर दिया आप जो है वो ऑटो रिक्शा का जो है बिजनेस वो बनाते थे, आप बना करके सेल करते थे, आपका तो रातों रात जो है बिजनेस ही बंद हो गया क्योंकि अब सेल हो नहीं सकता। तो ऐसे केसेस में आपको बैंक्रप्सी के लिए या लिक्विडेशन के लिए जाना पड़ेगा, और अगर ऐसे केसेस में जाना पड़ेगा और आपको अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, लेकिन अब एक दिन में तो आप जा नहीं सकते, फाइल करने में समय लगेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज बनाना है, तो एज आपका ये ड्यूटी बनता है एज अ मैनेजमेंट, एज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कि आप जो है इस चीज को फुली डिस्क्लोज करें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ओके, फाइन। अगर आप फुली डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, मान लिया जाए आपने फुली डिस्क्लोज नहीं किया और आप चले गए, अब इस बार मैं उल्टा कर देता हूं कि मैं हूं जो बंदा है जिसका कि बिजनेस अभी लिक्विडेट होने वाला है, बैंकक्रप्ट होने वाला है और मुझे पता है, और आप हैं बैंकर, आप हैं लेंडर जो आपके पास बहुत सारा पैसा है, और मैं आपके पास जाता हूं और मैं आपको लास्ट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता हूं, कहता हूं कि ये देखिए प्रॉफिट है और इतना सारा असेट है और ऐसा है वैसा है करके, आप मुझे लोन दे दीजिए अगले 3-4 साल के लिए तो मैं इस लोन को वापस कर दूंगा और इतना आपको इंटरेस्ट पैसा भी पे कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने अगर डिस्क्लोज नहीं किया है कि मेरा प्लान है मेरी कंपनी को लिक्विडेट करने का, तो आपको तो ये जो पिक्चर है वो गलत दिखेगा ना, और ये पिक्चर जब गलत दिखेगा तो आप गलत डिसीजन ले सकते हो। इसलिए जरूरी है कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखूं ये चीज कि ये मेरा प्लान है, मैं डिस्क्लोज करूं कि ये मेरा प्लान है कि मैं बिजनेस को फाइल करने वाला हूं बैंक्रप्ट। और अगर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज किया तो आपको देख लेंगे एज अ बैंकर या लेंडर, और आप देखेंगे अरे यार ये क्या चल रहा है, सॉरी कोई मैं लेंड नहीं कर सकता बिकॉज मुझे पता है कि पैसा मुझे वापस नहीं आएगा, पैसा लेगा जो इंसान बैंक्रप्सी फाइल करेगा पैसा लेके चला जाएगा, बोलेगा अरे बिजनेस तो बैंक्रप्ट हो गया अब क्या करूंगा, राइट, तो आप नहीं करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप गलत डिसीजन लेंगे। एक और बात, मैं मैनेजमेंट, मुझे पता है कि अगर मैंने डिस्क्लोज किया तो आप मुझे लोन नहीं दोगे, तो मैं डिस्क्लोज क्यों करूंगा, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, और मेरे बारे में छोड़ दीजिए, शायद मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, मैं डिस्क्लोज कर भी दूंगा फिर भी आपके सामने हाथ जोड़ के चला जाऊंगा, वो अलग बात है। लेकिन जनरली सारे के सारे बिजनेसेस को मानना कि सब ईमानदार हैं और सब लोग डिस्क्लोज करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल वाला काम है। तो इसको कैसे डील करते हैं, इसे डील करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है उसमें, जो ऑडिटिंग
जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें जो है ये मस्ट है, उसमें ये मैंडेटरी है कि जो ऑडिटर है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसे अगर पता चल गया कि ये जो बिजनेस है ये बैंक्रप्सी के लिए फाइल करने का जो है वो प्लान कर रही है, शॉर्ट टर्म में लिक्विडेशन करने का प्लान कर रही है, एसेट को सेल करने का प्लान कर रही है, क्लोज आउट करने का प्लान कर रही है, या मैसिव कट इन इट्स ऑपरेशन का प्लान कर रही है, तो वो ऑडिटर का जो है प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में इस बात को मेंशन करे। तो जो आप जो बैंकर हैं, आप जो लेंडर हैं, जब मैं आपको देता हूं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साथ में मुझे ऑडिटर रिपोर्ट भी देना पड़ता है, और वहां पे आपको दिख जाएगा, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना दिखा तो आपको ऑडिटर्स रिपोर्ट में दिख जाएगा कि नहीं 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 देयर इज अ प्रॉब्लम। फाइन, तो मोटा मोटी प्रॉब्लम है क्या भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने फुली डिस्क्लोज कर दिया कि भाई आई एम प्लानिंग टू गो फॉर फाइल फॉर बैंकरप्सी, तो इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बदल जाएगा? अल्टीमेटली दैट इज द मेन पॉइंट, राइट? फिर से बात आ जाती है असेट की, फिर से बात आ जाती है असेट वैल्यू की, ठीक है? असेट वैल्यू आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ लिखा है, ठीक है? अब गोइंग कंसर्न है तो असेट वैल्यू एक है, लेकिन अगर वो गोइंग कंसर्न नहीं रहने वाला है तो उस असेट का क्या होगा? उसको आपको तो सेल करना पड़ेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को पता है कि यार ये तो ऐसे ही कुछ भी दे दो ये ले लेगा, बिकॉज अभी तो ये खराब स्थिति में है। तो जो असेट का जो वैल्यू है बहुत ही कम हो जाता है, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ असेट का वैल्यू दिया हुआ है तो जो पढ़ेंगे जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको जो पता चल गया कि बैंकरप्सी के लिए फाइल करने वाला है तो वो असेट का वैल्यू नहीं लेंगे जितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है, उससे कहीं कम लेंगे। असेट वैल्यू डिटेरियोरेट्स, ये लिख सकते हैं, कम्स डाउन, राइट? उस पर्टिकुलर केस में जहां पे ये गोइंग कंसर्न नहीं है। ओके, सो फाइनली माय फ्रेंड्स, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब है गोइंग बिजनेस। एक बिजनेस ये माना जाता है, अंडरलाइंग अजम्पशन है अकाउंटिंग में, कि व्हेन अ बिजनेस प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देन इट इज अज्यूम्ड दैट दिस बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न एंड इट विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर द फोरसीबल फ्यूचर। फोरसीबल फ्यूचर 3 to 4 years, कंटिन्यू ऑपरेशन मीन्स इट विल कंटिन्यू टू यूज इट्स असेट्स to make goods, provide services that it does in the normal course of operation, and from that sales it is going to be paying its liabilities, it is going to be paying it all its expenses, theek hai? To ye tha going concern concept. Okay, aage chalte hain, ek naya concept, ek dusra concept jo hai usko samajhte hain.